मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि वीडियो कौन सी बनाऊं। काफी लोगों ने ये वाली वीडियो पॉइंट आउट किया कि टोबी और एंड्रू जो है वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर कैसे वापस आने वाले हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारी गालियां मुझे पड़ी, इसलिए अब मैं वो वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टोबी और एंड्रू आखिरकार स्पाइडरमैन नो वे होम में कैसे आने वाले हैं। तो हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वोट किया और वेट कर रहे थे, आज वो वीडियो आप देख लो। अब मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इस पूरी वीडियो के लिए तीन थ्योरी है, मतलब तीन थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ और आप मुझे कमेंट से बताना कि पहली थ्योरी, दूसरी थ्योरी या फिर तीसरी थ्योरी पे आप बिलीव करते हो। मेरे हिसाब से थर्ड थ्योरी इज द बेस्ट थ्योरी, मेरा तो वही मानना है कि वैसे ही होने वाला है, बट आप मुझे बताना कि क्या होने वाला है। तो जल्दी शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, सचिन टॉक्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नाउ फाइनली लेट्स बिगिन। तो अगर पहली थ्योरी की बात करें तो पहली थ्योरी कुछ ऐसी थ्योरी है जो कि हमने सोनी के यूनिवर्स में ऑलरेडी देखी हुई है। अगर आपको याद होगा तो 2018 वाली स्पाइडरवर्स मूवी, जो कि लाइव एक्शन नहीं थी, एक एनिमेटेड मूवी थी माइल्स मोरालेस वाली, उसमें होता क्या है कि मल्टीवर्स एक पोर्टल खुलता है और सारे के सारे जो स्पाइडरमैन है वो उस पोर्टल में से ही, जो हमारा मेन यूनिवर्स होता है यानी माइल्स मोरालेस का यूनिवर्स होता है, उसके अंदर आके गिर जाते हैं। तो मेरी पहली थ्योरी ये कहती है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी हमारे टोबी मैग्वायर एक जगह पर झूल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, एंड्रू गारफील्ड भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा और वहां पर एक मल्टीवर्स का पोर्टल खुलेगा और उन दोनों को उस पोर्टल में सक कर लिया जाएगा। तो ये है पहली थ्योरी और मुझे लगता है कि शायद ये थ्योरी ट्रू हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी 2018 के अंदर एक बार इसको हम देख चुके हैं। अब इस थ्योरी के अंदर दो तीन चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, अगर ऐसा होता है कि मल्टीवर्स के दरवाजे खुलने के बाद में, मल्टीवर्स का पोर्टल खुलने के बाद में, टोबी और एंड्रू जो है वो एक तरह से आ जाएंगे इसके अंदर, तो यहां से दो चीज हो सकती है। पहला, एक तो हमें ये देखने को मिलेगा कि तीनों स्पाइडरमैन की फाइट कैसे होगी, क्योंकि जब टॉम, टोबी और एंड्रू एक दूसरे के सामने आएंगे और तीनों को पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, हम ये कहाँ पे आ गए, तो ऑब्वियसली तीनों की फाइट तो होगी। तो काफी लोगों ने ये बोला था कि हम तीनों स्पाइडरमैन की एक फाइट देखना चाहते हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं, यानी पहली थ्योरी के साथ जाते हैं, यानी मल्टीवर्स के पोर्टल खुलने के, उसमें गिरने के बाद वाली थ्योरी के साथ जाते हैं, तो हाँ, इन तीनों की फाइट होगी और काफी मस्त थ्योरी है, मुझे भी देखनी है फाइट। अब अगर बात करें दूसरी थ्योरी की, तो दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि पीटर जब सिनिस्टर सिक्स से बहुत गंदे तरीके से पिट चुका होगा, उसकी हालत खराब होगी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा, उस वक्त डॉक्टर चेन क्या करेगा, दूसरे यूनिवर्स में जाएगा और वहां पर टोबी मैग्वायर को और एंड्रू गारफील्ड को वहां से लेकर आएगा। क्योंकि एक चीज आप इमेजिन करो, आपको पता है कि टारम यूनिवर्स से भी विलन आने वाले हैं जैसे कि इलेक्ट्रो और लिजर्ड, और टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स से भी जो विलन है वो आने वाले हैं जैसे कि सैंडमैन, हमारा एक तरह से ग्रीन गॉब्लिन और हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस। तो डॉक्टर चेन को ये बात पता है कि उन वाले पीटर पार्कर ने इन वाले विलन से ऑलरेडी लड़ाई कर रखी है। तो सेकंड थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जाएगा उस यूनिवर्स के अंदर, यानी टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स में जाएगा, वहां पे बोलेगा भाई हमारे यहाँ पे ये बंदे आ गए हैं, आपने इसके एक वर्जन को ऑलरेडी हराया हुआ है, तो आप आके देख लो, हमारी मदद कर दो। सेम वो एंड्रू के साथ करेगा और ये है सेकंड थ्योरी। अब सेकंड थ्योरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको सोचने में, इसको समझने में, बट कहीं ना मुझे वो जो फील होता ना वो फील नहीं आ रहा कि यार सेकंड थ्योरी में मजा तो है, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा होगा, मुझे लगता है ऐसा होगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरी थ्योरी जो सारे के सारे फैंस को खुश कर देगी। तो गाइस, तीसरी थ्योरी की बात करें तो तीसरी थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर चेंज जब रेमी यूनिवर्स में और टासम यूनिवर्स के अंदर जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो जाएगा टॉम हॉलैंड यानी कि मुरारी को लेकर वो जाएगा उस यूनिवर्स के अंदर, जाएगा वहां पर बोलेगा कि देखो भाई, ये हमारे स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर है, तुम इसके वेरिएंट हो, तुम्हारा नाम भी पीटर पार्कर है, तुम्हारे वाले जो विलन हमारे यूनिवर्स में आ चुके हैं, तो प्लीज हमारे साथ उस यूनिवर्स में चलो और वहां पे उन विलन्स को हरा दो। इससे ना दो तीन चीजें क्लियर होती हैं। पहला तो ये क्लियर होता है कि हमने देखा ट्रेलर के अंदर, आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस है वो बोलता है हेलो पीटर, और मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर आपको बताया था कि हेलो पीटर एक्चुअली मुरारी से नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है पिज्जा मैन से यानी कि टोबी मैग्वायर से। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी, वो ये है कि जो विलन है वो उनके ओरिजिनल वाले होने वाले हैं। प्रीवियसली सब लोगों ने स्पेकुलेट ये किया था कि जो विलन होने वाला है सिनिस्टर सिक्स वाले, वो ओरिजिनल विलन के वेरिएंट होने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये बात मान के चलो कि जो ग्रीन गॉब्लिन था या फिर जो डॉक्टर ऑक्टोपस था, अगर वो ओरिजिनल वाले विलन नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन बुरी हो सकती है, क्योंकि जो उनके साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था, जो उनके साथ अटैचमेंट हुई थी, वो अटैचमेंट को पूरा जीरो करना पड़ेगा और जितनी भी चीजें हमने सोची थी उनके बारे में उन सबको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी बैड थिंग। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर वही वाला डॉक्टर ऑक्टोपस होता है जिसने इतना बढ़िया डेवलपमेंट जब ना कैरेक्टर एक तरह से किया, साथ साथ वही वाला ग्रीन गॉब्लिन होता है, तो उसके साथ जो यादें हमारी जुड़ी हुई थी, हमें पता रहेगा कि यार ये वही बंदा है जो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी झेल चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मेरे हिसाब से थर्ड थ्योरी के बारे में ही मैं बात करूंगा और वही मेरे हिसाब से सही होने वाली है, यानी हमारे डॉक्टर चेन हमारे पीटर पार्कर को पकड़ कर लेके जाएगा टासम यूनिवर्स में, वहां से एंड्रू गारफील्ड को लेकर आएगा, फिर जाएगा सैम रेमी यूनिवर्स में
और वहां से हमारे मेन पीटर पार्कर यानी टोबी मैग्वायर को लेकर आएगा। काफी मजा आएगा ना। अब अगर बात करें इस थ्योरी को कौन सी चीजें सपोर्ट करती हैं, थोड़े दिनों पहले हॉट टॉयज के जो फिगर होते हैं वो लीक हुए थे, वहां पर आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वो दो जगह पे था, यानी जो हमारा पीटर पार्कर है वो मतलब पीटर पार्कर मतलब हमारा मुरारी वाला पीटर पार्कर वो दो जगह पे था। तो एक जगह के सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो सेम लगता है, सेम कलर स्कीम है, जो वार्म कलर स्कीम है वो है हमारी सैम रेमी की यूनिवर्स स्कीम। ये वाली जो कलर स्कीम है जिसमें आप थोड़ा टेक्नो थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा ब्लूइश कलर देख सकते हैं, ये स्कीम है हमारे टार्ज़न यूनिवर्स की। तो हाँ, इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि यही थ्योरी सच होने वाली है और एंड में टोबी मैग्वायर और टार्ज़न यूनिवर्स में जाकर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को वहां पर ले जाके उन दोनों को हायर करेगा और इस यूनिवर्स में लेकर आएगा। उसके बाद होगी शुरुआत हमारे स्पाइडरवर्स की। वैसे अगर मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर दो तीन थ्योरी और बन सकती है और मेरे हिसाब से मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स की थ्योरी बहुत अच्छी होती है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि एक दो थॉट और मेरे मन में आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह से इस यूनिवर्स के अंदर आए और उनको पता भी नहीं हो हम कैसे आए। एक और थ्योरी चलो बताता हूँ, बोनस थ्योरी। अब ये जो बोनस थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपका दिमाग थोड़ा सा खराब तो होगा, आपको गुस्सा तो आएगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी तो है। अब देखो, ऐसा हो सकता है होगा नहीं बट ऐसा हो सकता है कि टोबी मैग्वायर और जो एंड्रू गारफील्ड हमारे इस यूनिवर्स के अंदर आएंगे ना वो ओरिजिनल वाले नहीं होने वाले हैं। यानी टोबी मैग्वायर किसी और यूनिवर्स का होगा जो कि अभी तक हमने नहीं देखा है और हमारा एंड्रू गारफील्ड भी किसी और यूनिवर्स का होगा जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। क्यों इसमें ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ यूनिवर्स के अंदर जो विलन थे वो ऑलरेडी मर चुके हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस मर चुका है, ग्रीन गॉब्लिन मर चुका है, हमारा एक तरह से सैंडमैन भी कहूंगा मैं मर ही चुका है, इलेक्ट्रो मर चुका है, लिजर्ड भी खत्म ही हो चुका था, तो ये सारे के सारे विलन वापस कैसे आ रहे हैं? इसलिए मैं फोर्थ थ्योरी के बारे में सोच रहा हूँ। तो फोर्थ थ्योरी में अगर हम बोलें तो मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट इसको देखने के बाद मेरा फैंस का गुस्सा बहुत ज्यादा फूटने वाला है, क्योंकि वो कहेंगे हमें वही वाला स्पाइडरमैन चाहिए जो हमने सैम रेमी के अंदर देखा था। हाँ, तुम उसका वेरिएंट दिखा सकते हो बट क्या एक्चुअली में वो रियल होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि सोनी वाले शायद फोर्थ थ्योरी के साथ ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। थर्ड थ्योरी इज स्टिल बेस्ट, लेकिन मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करना चाहता ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी ना छूटे। फर्स्ट थ्योरी भी अच्छी है, सेकंड भी अच्छी है, थर्ड भी अच्छी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी ट्रू होने वाली है। तो गाइस, काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का जो ट्रेलर है यानी सेकंड ट्रेलर है वो हमें कब देखने को मिलेगा, उस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं चाहता हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो पे मुझे 3000 लाइक्स मिलते हैं, 3000 या तो अगर इस वीडियो पे मुझे 3000 लाइक मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कब आने वाला है, ये भी बताऊंगा उसमें कौन कौन होने वाला है और ये भी बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं वो ट्रेलर की वीडियो देखना तो फटाफट से लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो और सचिन टॉक्स वाले चैनल पर जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहां पे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, वहां पे हम जल्दी ही लाइव स्ट्रीम भी करा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।